हरे कृष्णा, आप इस समय इस्कॉन रोहिणी के अंदर है, जो एक रोहिणी सेक्टर 25 के अंदर एक बहुत विशाल मंदिर का निर्माण चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर यानी कि 3 से 4 महीने के अंदर पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और उससे पहले यदि आप चाहें तो भगवान की सेवाएं करने में, भगवान को विशेष प्रकार से भगवान के बारे में जानने के लिए कुछ कक्षाएँ हम देते हैं जिससे आप जुड़ सकते हैं। ये एक मंदिर एक ऐसे स्थान पर जो सारे के सारे लोगों को यहाँ पर प्रचार के रूप में जोड़ेगा। और इस मंदिर के अंदर जो भगवान के रूप में विग्रह के रूप में आएंगे वो हैं श्री राम दरबार, श्री श्री राधा माधव और पंचतत्व। और इस्कॉन की स्थापना श्री प्रभुपाद जी के द्वारा 1966 में न्यूयॉर्क में की गई थी। आज पूरे विश्व के अंदर 750 से ज़्यादा मंदिर है जो शुद्ध प्रचार के रूप में लोगों को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, भगवान से क्यों जुड़ने की आवश्यकता है, उनको जीवन का उनका जो लक्ष्य होना चाहिए उसके बारे में मार्गदर्शन कर रहे हैं। और लाखों लोगों का इसमें परिवर्तन करके अपने उन्होंने मुख्यतः जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का जो प्रयास है उनमें उसमें सफलता प्राप्त की है। तो हम सब आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप भी जुड़िए, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कीजिए और भगवान की सेवा कीजिए। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस्कॉन, जिसे कि हम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसियसनेस के नाम से जानते हैं, या फिर कहें कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा रोहिणी सेक्टर 25 दिल्ली में श्री श्री राधा माधव मंदिर का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो कि लगभग अब पूर्ण होने की स्थिति में आ चुका है। कुछ ही समय पश्चात हमें रोहिणी जैसे शहर में इस्कॉन द्वारा नव निर्मित एक ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होता हुआ दिखेगा, जो कि अपने आप में एक अलौकिक और भव्य मंदिर होगा। इस्कॉन संस्था का ये मंदिर श्री राधा माधव और भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ जी से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने YouTube चैनल पर पहले पोस्ट किया था। उस वीडियो के माध्यम से आप भगवान जगन्नाथ जी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो का लिंक पुनः मैं इस वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूँगा। रोहिणी सेक्टर 25, जो कि अपने आप में दिल्ली जैसे शहर का एक एजुकेशन हब माना जाता है, यहाँ पर कई बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं जैसे कि रिहान इंटरनेशनल स्कूल, क्वीन मैरी, एनके भदौरिया, साथ ही साथ बड़े प्रशिक्षणिक संस्थान जिनमें कि दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, श्री फोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, दिल्ली स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडी एंड रिसर्च शामिल हैं। इसके साथ ही इस्कॉन संस्था द्वारा श्री मद्भागवत गीता के महान व शाश्वत ज्ञान का संदेश और भगवान कृष्ण की कालातीत शिक्षाओं को दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए संस्था के प्रचारक समय समय पर इस संस्था से जुड़े लोगों की कोचिंग क्लासेस के माध्यम से शिक्षित करने का कार्य भी कर रहे हैं। ये संगठन लोगों को उनके जीवन का वास्तविक अर्थ खोजने के लिए मार्गदर्शन करने का काम करता है। विभिन्न जाति, पंथ, नस्ल, राष्ट्रीयता के व्यक्ति स्वयं को इस संगठन के माध्यम से भगवान की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। ये संस्था दुनिया में मानवता, एकता और शांति का संदेश देती है। इस्कॉन संस्था के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी पुस्तकें हैं। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने 60 से अधिक संस्करणों का अनुवाद किया। वैदिक शास्त्रों, भागवत गीता, चैतन्य चरितामृत और श्री मद्भागवत पुराण का उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, जिनका कि अब वर्तमान में 70 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद विश्वभर में किया जा चुका है। विश्वभर में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूल इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसियसनेस द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिनके संचालन में सहायता और मार्गदर्शन इस्कॉन शैक्षिक विकास मंत्रालय करता है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका इत्यादि प्राय विश्व भर में संस्था द्वारा संचालित स्कूलों की भरमार है। यूरोप में आपती स्कूल ट्रस्ट, भक्ति वेदांत मनोहर स्कूल, श्री प्रहलाद गुरुकुल, भक्ति वेदांत गुरुकुल जैसी विभिन्न संस्थाएं कार्य कर रही हैं। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में भक्ति वेदांत अकादमी, टीकेजी अकादमी, मैथ इको स्पिरिट अकादमी कार्यरत हैं। उत्तरी
अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के साथ साथ यूरोप की शैक्षणिक संस्थाओं में एस्कॉन द्वारा गणित, विज्ञान, भाषा कला, भाषा विसर्जन, धर्मशास्त्र व चरित्र निर्माण जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं, जिसमें आधुनिक और प्राचीन भाषाओं के रूप में हिंदी, बंगाली, लैटिन व ग्रीक भाषा में भी अध्ययन करने के विकल्प मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया में भक्तिवेदांत स्वामी गुरुकुल, भक्तिवेदांत स्वामी गुरुकुल न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालय का संचालन इस संस्था के द्वारा किया जाता है। स्कूल के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी, गणित, प्रौद्योगिकी इत्यादि के साथ साथ कृष्ण चेतना अध्ययन को विदेशी भाषाओं में सीखने व सिखाने की गतिविधियां संस्था द्वारा शामिल की गई हैं। हरे कृष्णा स्कूल न्यूजीलैंड। हरे कृष्णा स्कूल न्यूजीलैंड एकीकृत प्राथमिक स्तर के स्कूल हैं जो न्यूजीलैंड के मानक पाठ्यक्रम के अलावा संस्कृत भाषा, वैदिक शास्त्र, भारतीय संगीत वाद्य यंत्र व चरित्र निर्माण जैसी शिक्षा इत्यादि के प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। अफ्रीका में भगवान कृष्ण की अकादमी के नाम से संस्थान संचालित किया जाता है। भगवान कृष्ण की अकादमी अक्रा घाना में स्थित है। स्कूल का संचालन भक्ति तीरथ स्वामी जी के शिष्य श्री दास जी द्वारा किया जाता है और दूसरा संस्थान निमाई इंटरनेशनल स्कूल है जो कि नाइजीरिया के पोर्ट हार्टकोट में स्थित है। एशिया महाद्वीप में एस्कॉन द्वारा भारत में कई शैक्षणिक संस्थानों का संचालन किया जाता है, जिनमें से दो मायापुर पश्चिम बंगाल में और एक वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित है। पश्चिम बंगाल में भक्तिवेदांत गुरुकुल एवं भक्तिवेदांत नेशनल स्कूल शामिल हैं। भक्तिवेदांत गुरुकुल श्रीधाम मायापुर का एक गुरुकुल है। यह एक पारंपरिक वैदिक विद्यालय है। अकादमी के विद्यार्थियों को वैदिक दर्शन, संस्कृत, विज्ञान की शाखाओं के अध्ययन के साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षा का अध्ययन, अभ्यास और प्रसार करने के लिए ज्ञान दिया जाता है। भक्तिवेदांत नेशनल स्कूल श्रीधाम मायापुर टाउनशिप ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबद्ध है और एक अच्छी शिक्षा प्रदान करता है जो न केवल भक्त बच्चों के लिए बल्कि आसपास के समुदायों के स्थानीय बच्चों के लिए भी सस्ती शिक्षा उपलब्ध करवाता है। भक्तिवेदांत गुरुकुल और इंटरनेशनल स्कूल वृंदावन उत्तर प्रदेश भारत में लड़कों के लिए एक बोर्डिंग स्कूल है। भारत के सबसे बड़े हिंदी भाषाई समाचार पत्रों में से एक ने इस भक्तिवेदांत गुरुकुल और इंटरनेशनल स्कूल को मथुरा जिले में शीर्ष स्कूलों के रूप में स्थान दिया है। इसके साथ साथ संस्था के द्वारा बांग्लादेश में भी कुछ शैक्षणिक संस्थान संचालित किए जाते हैं। भक्तिवेदांत इंटरनेशनल स्कूल BIS जिसकी स्थापना संस्था द्वारा 2014 में चटगांव बांग्लादेश में हुई थी। यह संस्था हर साल श्रील प्रभुपाद योग्यता छात्रवृत्ति प्रतियोगिता का आयोजन करती है जो बांग्लादेश में प्राथमिक स्तर की प्रसिद्ध छात्रवृत्ति परीक्षाओं में से एक है। भारत में एस्कॉन संस्था के हजारों अनुयायी हैं।
भारत के कई बड़े शहरों में इस संस्था के द्वारा कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया जा चुका है, जिन मंदिरों में से मुख्यतः श्री मायापुर चरणोदय मंदिर पश्चिम बंगाल, श्री राधा कृष्ण मंदिर राजसी नगर बेंगलोर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश, श्री राधिका रमन कृष्ण बलराम मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली, श्री राधा गोविंद मंदिर चौपाटी मुंबई महाराष्ट्र, श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर हैदराबाद, श्री श्री राधा गोविंद मंदिर नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री श्री राधा माधव सुंदर मंदिर सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, श्री श्री राधा रुक्मणी कृष्ण मंदिर गुवाहाटी और श्री श्री राधा माधव मंदिर चंडीगढ़ प्रमुख हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक प्रयास था कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसिसनेस के द्वारा पूरे विश्व भर में सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म और श्रीमद् भागवत गीता का जो संदेश दिया जा रहा है, जो प्रसार प्रचार किया जा रहा है, उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचा पाऊं। साथ ही साथ अध्यात्म से संबंधित जो भी शैक्षणिक संस्थान संस्था के द्वारा संचालित हैं उनकी जानकारी मैं आपको दे पाऊं। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें।